अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बीफ़ स्टू। तो ये जो बीफ है, मैंने इसको पहले ही धो के फ्रिज में रख दिया था। तो ये व्हीट बोन है, हड्डी लगा हुआ है और छोटे छोटे पीस में कटा हुआ है। तो यहाँ पर मैंने प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च ले लिया है। प्याज मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाला क्योंकि ये स्टू बहुत ज़्यादा ग्रेवी वाला नहीं होता है, थिक ग्रेवी नहीं होता है इसमें। तो मैंने आप सबके साथ अपने मम्मी का रेसिपी शेयर किया है। मेरे मम्मी घर में बनाती थी, तो आज मुझे लगा कि मैं भी ऐसे बनाऊँ। तो मैं बहुत कम बनाती हूँ यहाँ पर। तो इस तरह से स्लाइस में मैंने प्याज को कट किया है। तो अदरक और लहसुन को ना ये ग्रेटर में मैं ग्रेट कर लूँगी। तो ये बहुत छोटा है लेकिन बहुत ही काम का चीज़ है। देखिए इस तरह से बहुत ही बारीक अच्छा से ग्रेट हो जाता है। तो मुझे जब भी इस तरह का चाहिए होता है तो मैं इसी में कर लेती हूँ। अब मैं लहसुन को भी इसी तरह से ग्रेट कर लूँगी। चलिए, काटना और घिसना तो हो गया, अब फटाफट से जो है कि पका भी लूँगी। वैसे आज ना काफ़ी देर हो गया है। तो तेल काफ़ी अच्छे से गर्म हो चुका है। यहाँ पर मैंने लिया है जीरा, एक बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग और एक दालचीनी। तो मसाला जो है कि अच्छे से खुशबू आने लगा था, तो मैंने इसमें प्याज डाल दिया है और प्याज को अच्छे से मैं भून लूँगी। प्याज को ब्राउन नहीं करना है लेकिन अच्छे से ना भूनना है इसको, कि ज़्यादा कच्चा भी नहीं रखना है। तो यहाँ पर मैंने 3 सूखी मिर्च को तोड़ करके इस तरह से डाल दिया है और जो अदरक लहसुन था उसको भी डाल दिया है। अब मैं सब चीज़ को साथ में अच्छे से भून लूँगी। ये रेसिपी बहुत ही कम टाइम में बनकर तैयार होता है, बहुत ही फटाफट हो जाता है और इसका टेस्ट भी ना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ पर प्याज भून चुका है, तो मैंने यहाँ पर गोश्त डाल दिया है। अब गोश्त को ना 2-3 मिनट में अच्छे से ना इसमें भून लूँगी। तो यहाँ पर मैंने नमक लिया है, हल्दी लिया है, हल्दी ऑप्शनल है, मैंने थोड़ा सा हल्दी डाला है और 2 हरी मिर्च को कट करके डाल दिया है। तो अभी इसमें मैं कोई मसाला नहीं डालूंगी, हम लोग इसी तरह से सिंपल बनाते हैं। तो अच्छे से मैंने 2-3 मिनट ना यहाँ पर अच्छे से मैंने भून लिया है इसको, गोश्त को। तो मैं आधा गिलास इसमें पानी डाल करके इसको 3 लो फ्लेम में 3 सीटी लगा लूँगी। तो 3 सीटी लग गया है, तो एक गोश्त को चेक कर लेते हैं।
तो ये देखिए इसका जो पानी है वो भी ज़्यादा नहीं है, सूख चुका है और तेल भी छोड़ दिया है, लेकिन इसको इसका ना अभी बहुत ही अच्छे से भुनाई करना है। तो हाई फ्लेम में मैं इसको भून रही हूँ। जो भी इसमें खड़ा थोड़ा बहुत प्याज वगैरह दिख रहा है वो भी सब अच्छे से भुना जाएगा। तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे पानी डाला है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा धनिया पत्ता डाला है ऊपर से। अब सब चीज़ को अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। तो आई होप कि आज का रेसिपी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। बस ये इसी तरह से बनता है और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है और खुशबू भी बहुत अच्छा आ रहा है। हस्बैंड को भी बहुत पसंद आया ये रेसिपी। तो ये देखिए देखने में जितना अच्छा लग रहा है, खाने में उससे भी ज़्यादा मज़ेदार ये ना बनता है, टेस्ट होता है इसका। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।